पूर्वोत्तर रेलवे क्रीडा संघ के तत्वावधान में 4 से 10 नवंबर तक सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में खेली जा रही 66वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 प्रतियोगिता के 6वें दिन खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण पश्चिम रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे को 19-25, 25-17, 25-20, 25-15 अंकों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आज खेला गया पहला सेमीफाइनल मैच काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा, जिसमें दक्षिण मध्य रेलवे ने पहले सेट को 25-19 अंकों से जीतकर बढ़त बनाई। पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे ने दूसरे, तीसरे एवं चौथे सेट में दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दक्षिण मध्य रेलवे 25-17, 25-20, 25-15 से परास्त करते हुए अंतिम तीनों सेट अपने पक्ष में कर लिया और फाइनल में प्रवेश किया। दक्षिण पश्चिम रेलवे के सुधीर के शानदार स्मैश तथा असवल के तेज अटैक ने टीम को फाइनल मुकाबले में पहुंचाने में सराहनीय योगदान दिया। देर साय दूसरा सेमीफाइनल मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे एवं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मध्य खेला जा रहा था। टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि डिप्टी CBO ट्रैफिक JP सिंह ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन 10 नवंबर को साय 4 बजे फाइनल मैच खेला जाएगा तथा पुरस्कार वितरण पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक क्रीड़ा अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने कहा। देखना मैं चंद्र विजय सिंह यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक क्रीड़ा अधिकारी हूँ। वॉलीबॉल चैंपियनशिप क्योंकि पूर्वांचल में और एनी रेलवे में वॉलीबॉल की काफ़ी अच्छी टीमें हैं, काफ़ी लोकप्रिय खेल है वॉलीबॉल इस एरिए का, क्योंकि पीछे लगभग 2012 में जहाँ तक मेरी जानकारी 2012 में यहाँ इंटर रेलवे चैंपियनशिप हुई थी और इसको कराने का एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो लोकल खिलाड़ी जो वॉलीबॉल में रुचि रखते हैं, तो जो इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं, इनके खेल को देख करके उनसे मोटिवेट हों और आगे वॉलीबॉल में अपना करियर बनाएं।
और इससे प्रेरणा ले लोगों से। इसमें 19 टीमें भाग ली हैं, पूरे ऑल इंडिया रेलवे से 19 जोनों की टीमें इसमें आई हुई हैं। और क्वालिटी वाइज जो भी देश के अच्छे खिलाड़ी हैं, टॉप के अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी भी इसमें खेल रहे हैं, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी हैं, और जो भी प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी राष्ट्रीय मेडल भी जीता हैं, तो सारे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनाम राशि नहीं, इसमें इनाम राशि नहीं होती है, चूँकि अभी विभागीय टूर्नामेंट है। मेन इसका अभी जो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे खिलाड़ी, चूँकि रेलवे बोर्ड ने 4 सेलेक्टर भी नामित किए हुए हैं, जो लोग सबके गेम को देख रहे हैं बहुत बारीकी से, और जो खिलाड़ी यहाँ पे चयनित होंगे उनका इंडियन रेलवे का कैंप आयोजित होगा, और वहाँ जो लड़के सेलेक्ट होंगे वो भारतीय रेलवे की तरफ से नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व करेंगे। कल 10 तारीख को इसका फाइनल है। आज 2 मैच खेले जाएंगे सेमीफाइनल के, जो टीमें विजेता होंगी कल उनका फाइनल खेला जाएगा। अभी SCR का और SWR का भी सेमीफाइनल है, और दूसरा सेमीफाइनल होगा NER का और NFR का, दूसरा सेमीफाइनल होगा।